दोस्तों स्वागत है आपका खबरों का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक नई जानकारी के साथ वीडियो शुरू कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में टिकटॉक ऐप पर बैन क्यों लगाया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मद्रास हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को टिकटॉक बैन करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में सभी लोग अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच ज़्यादातर लोगों का मानना है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एकदम स्ट्रिक कदम उठा रही है। बताते चले कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस ऐप के जरिए युवाओं की पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ती पहुंच को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को टिकटॉक ऐप बंद किए जाने के निर्देश के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है। इस फैसले के पक्ष में ज़्यादातर दर्शक उतरे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इस ऐप को बंद किए जाने के आदेश पर आश्चर्य जताया है और इस ऐप के बंद किए जाने का विरोध भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में कोल्ड वॉर छिड़ गया है। इस फैसले को सही बताते हुए कुछ लोगों ने टिकटॉक की तुलना पबजी से की है। कुछ का मानना है कि जब पबजी भारत में बैन हो सकता है तो टिकटॉक क्यों नहीं बंद हो सकता। कुछ लोगों ने तो देश के पीएम मोदी को इस ऐप के जल्द से जल्द बंद किए जाने की बात कही है और साथ ही पीएम को टैग करके कहा है कि इस ऐप के ज़रिए भारत के कल्चर और न्यू पीढ़ी पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में इस ऐप को बंद करने का फैसला एकदम सही है। वहीं टिकटॉक ऐप पर लड़कों के लड़की बनने पर भी कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा है कि जो लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं उनकी साइकोलॉजी ही करप्ट हो जाए और वह सदा के लिए ही लड़की बन जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक खबरों का ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।